हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सासी सभी क्लास। बहुत लोगों से आपने सुना होगा कुछ इस तरह के सेंटेंसेस में बात करते हैं, जैसे फिलहाल मैं गाना गा रहा हूँ, फिलहाल मेरे पास खाने का टाइम नहीं है, या फिर कुछ इस तरह का सेंटेंस, ट्रेन रुक रुक कर आ रही है, वह रुक रुक कर चल रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आज हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर सेंटेंस में रुक रुक यह वर्ड इस्तेमाल किया गया है तो आप इंटरमीडिएटली वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, रुक रुक कर बारिश हो रही है, यहाँ पर रुक रुक इस्तेमाल हुआ है। रुक रुक कर ट्रेन आ रही है, यहाँ पर रुक रुक इस्तेमाल हुआ है। तो आप इंटरमीडिएटली वर्ड यूज करेंगे, बाकी सेंटेंस को हम उसके नेचर के अकॉर्डिंग फ्रेम करेंगे। अब देखिए, रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो हो रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फ्रेम करेंगे। इट इज रेनिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और रुक रुक के लिए हम इंटरमीडिएटली वर्ड यूज कर देंगे। पूरा सेंटेंस फ्रेम हो गया, इट इज रेनिंग इंटरमीडिएटली। रुक रुक कर ट्रेन आ रही है, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। द ट्रेन इज अराइविंग इंटरमीडिएटली। रुक रुक कर क्यों चल रहे हो, अब यहाँ पर क्यों वर्ड के लिए वाई का यूज करेंगे। वाई आर यू वॉकिंग, तो वाई आर यू वॉकिंग यह भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। वाई आर यू वॉकिंग इंटरमीडिएटली, मुझे रुक रुक कर काम करना पसंद नहीं है, तो पसंद नहीं है को हम आई डोंट लाइक कहेंगे। ठीक है, आई डोंट लाइक टू वर्क इंटरमीडिएटली। वह रुक रुक कर दौड़ रही है, सी इज रनिंग इंटरमीडिएटली। अब दूसरा है एज फॉर नाउ का इस्तेमाल। अगर सेंटेंस में आपको फिलहाल ऐसा वर्ड दिखे, जैसे फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ, फिलहाल मैं खाना खाने जा रहा हूँ, अगर सेंटेंस में फिलहाल वर्ड दिखे तो एज फॉर नाउ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ। अब इस सेंटेंस को दो भागों में आप बांट दीजिए। फिलहाल को मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो आई एम वर्किंग। और फिलहाल को एज फॉर नाउ, तो सेंटेंस फ्रेम होगा एज फॉर नाउ आई एम वर्किंग। फिलहाल मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तो खाना खाने जा रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एज फॉर नाउ आई एम गोइंग टू हैव द फूड। फिलहाल मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब सप्ताह के लिए हम कैन का यूज करते हैं। एज फॉर नाउ आई कैन नॉट हेल्प यू, फिलहाल मुझे फिल्म देखने का मन कर रहा है, तो मन कर रहा है को हम फील लाइक लिखते हैं। ये सेंटेंस मैंने पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं। एज फॉर नाउ आई फील लाइक वॉचिंग मूवी, और लाइक के बाद वॉचिंग का इस्तेमाल होता है। ये भी मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जिसके बाद जिरंड का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल मुझे पूरा दिन काम करना पड़ता है, पढ़ना के लिए हम लोग हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। एज फॉर नाउ आई हैव टू वर्क होल डे। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज दूसरों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। हमारी मुलाकात फिर होगी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।